टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद इंडियन क्रिकेट में एक नया दौर शुरू होगा जहां पर युवा खिलाड़ियों को मौके मिलना शुरू होगा। जिम्बाब्वे दौरा हो, श्रीलंका दौरा हो, ये वो टूर्स होंगे जहां पर आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को टीम में जगह मिलेगी और टीम गौतम गंभीर की अगुवाई में नए सिरे से तैयार की जाएगी जिसकी अनाउंसमेंट जल्दी ही हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम अपनी प्रोबेबल 15 बनाएंगे, कौन कौन से वो युवा खिलाड़ी हैं जिनको आने वाले टाइम में इंडिया की टी20 टीम में देखा जाएगा। तो शुरुआत हम कप्तान के साथ करेंगे। कप्तानी यहां पर दावेदार दो नजर आ रहे हैं अभी, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो खिलाड़ी इस वक्त टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा हैं उसमें से ज्यादातर खिलाड़ी इंडिया की इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे। तो अब दो कंटेंडर मेरे लिए बचते हैं, एक संजू सैमसन है जो कप्तानी के कंटेंडर हो सकते हैं और दूसरा ऋतुराज गायकवाड़, बिकॉज लास्ट टूर पर वो कप्तानी कर रहे थे और इंडिया के लिए जो एशियन गेम्स में टीम गई थी उसमें भी ऋतुराज गायकवाड़ ने कप्तानी की थी। लेकिन अब जो है ना वो सूरत हाल बदल चुका है। वर्ल्ड कप में संजू सैमसन उनसे पहले गए, एज ए सेकेंड विकेट कीपर गए, और आईपीएल में पिछले कुछ साल से जिस तरह का प्रदर्शन उनका रहा है एज ए कैप्टन, जिस तरह से उन्होंने टीम चलाई है वो ज्यादा सूटेबल कैंडिडेट नजर आते हैं। एज अ प्लेयर भी वो अपनी जगह टीम में बनाते हैं और एज अ कैप्टन भी वो शायद डिजर्व करते हैं। दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ का क्या है कि एज अ प्लेयर उनके लिए जगह बनाना अभी भी क्वेश्चनेबल हो सकता है, और इंडिया की नई टी20 टीम में अगर आपको अप्रोच चेंज करनी है फिर शायद आपको ऋतुराज गायकवाड़ को बाहर छोड़ना पड़ेगा और आपको कप्तान चुनना पड़ेगा संजू सैमसन को। उसके बाद इस टीम में आपके ओपनर कौन होंगे? ओपनर तो आपका एक पहले ही तय हो चुका था और वो है यशस्वी जायसवाल। तो उनको अब आप इस टीम में दोबारा से खेलते हुए देखेंगे, भले ही उनको इंडिया के लिए वर्ल्ड कप में खेलने का मौका ना मिल पाए, लेकिन जो जिम्बाब्वे दौरे पर टी20 की टीम जाएगी या श्रीलंका दौरे पर जाएगी उसमें एक ओपनर यशस्वी जायसवाल होंगे। उनके साथ जोड़ीदार कौन होगा? मुझे लगता है कि शुभमन गिल, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन, दोनों यंग खिलाड़ी, इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर, आपको यही दोनों दिखेंगे। अभिषेक शर्मा का नाम जरूर रहेगा, अभिषेक शर्मा का सिलेक्शन भी होगा, लेकिन शायद वो आपके बैकअप ओपनर की तरह अभी आपकी टीम में रखे जाएंगे। आने वाले टाइम में अभिषेक शर्मा को भी मौका मिल सकता है, तो तीसरे खिलाड़ी अभिषेक शर्मा होंगे। उसके बाद संजू सैमसन की बात मैंने ऑलरेडी कर ली, अब हो गए चार खिलाड़ी। उसके बाद अगला खिलाड़ी बात करें तो रियान पराग। जिस तरह से पिछले दो साल में इस खिलाड़ी का प्रदर्शन रहा है, चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट हो और आईपीएल जो उनकी परख का आखिरी पैमाना था उसमें भी उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया है बल्ले के साथ। गेंदबाजी की बात जहां तक होगी तो उतनी अपॉर्चुनिटीज उनको आईपीएल में मिली नहीं, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में गेंदबाजी के साथ भी वो अपने आप को साबित करते रहे, साथ में अच्छे फील्डर भी हैं। इंडिया को ऐसे प्लेयर टॉप फोर में, टॉप सिक्स में चाहिए जो बल्लेबाजी करने के साथ अच्छे फील्डर भी हों, साथ में गेंदबाजी में भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हों। रियान पराग उनमें से एक है। इसी कड़ी में अगला नाम जो है वो रहेगा तिलक वर्मा का, और इस टीम के छठे खिलाड़ी तिलक वर्मा, एक लेफ्ट हैंडर जो बहुत कॉम्पैक्ट बैट्समैन है, प्रॉमिसिंग टैलेंटेड यंगस्टर है, साथ में ऑफ स्पिन भी करता है, फील्डर भी बहुत जबरदस्त है। जिस तरह का प्रदर्शन पिछले दो तीन साल में उनका आईपीएल में रहा है वो डेफिनेटली इंडिया की टी20 टीम में होना डिजर्व करते हैं, और वो उस तरह के खिलाड़ी भी हैं जो आपके टॉप चार टॉप पांच में बल्लेबाजी करते हैं, साथ में गेंदबाजी भी कर सकते हैं। तो इस टीम में मेरे छठे खिलाड़ी तिलक वर्मा होंगे। उसके बाद सातवें खिलाड़ी की बात करें तो आईपीएल में इस बार एक खिलाड़ी ने धूम मचाई थी, वो थे नीतीश रेड्डी। बिकॉज फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर इंडिया में कहां देखने को मिलता है, और वो भी जेन्युइन एबिलिटी जिसके पास हो। चार नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद के लिए वो बैटिंग कर रहा था, गेंदबाजी की काबिलियत, पिछले दो रणजी सीजन में वो 50 से ज्यादा विकेट ले चुके हैं। सो रेड बॉल में उनके पास जो स्किल सेट है फास्ट बॉलिंग का वो बहुत कमाल का है, और टी20 क्रिकेट से शायद उनको परस्यू किया जाए और आने वाले टाइम में आप इस खिलाड़ी को लॉन्ग फॉर्म ऑफ द गेम भी खेलते हुए देखेंगे। लेकिन इस दौरे के लिए नीतीश रेड्डी आपके टॉप 6 के बैट्समैन भी हो सकते हैं, और वो जगह जो अभी हार्दिक पांड्या ने ग्रैब कर रखी है उस जगह पर बैकअप तैयार करने की चर्चा जो बहुत दिनों से चल रही थी उसमें नीतीश रेड्डी को मुझे लगता है कि इस बार इंडियन टीम में डाला जाएगा। उसकी वजह सिर्फ इस बार का आईपीएल नहीं है, नीतीश रेड्डी पिछले दो डोमेस्टिक सीजन से लगातार बहुत अच्छा प्रदर्शन आंध्रा के लिए करते रहे, इस वजह से नीतीश रेड्डी की जगह बनती है। उसके बाद बात की जाए रिंकू सिंह की। रिंकू सिंह को टी20 वर्ल्ड कप के प्रोबेबल्स में
जो एक्स्ट्रा प्लेयर्स थे उनमें रखा गया था, लेकिन उनको खेलने का मौका नहीं मिल पाया। उनकी वापसी दोबारा से इंडियन टीम में होगी, क्योंकि फिनिशर के रोल में रिंकू सिंह से बेहतर प्लेयर आपको नजर नहीं आता। ओवरऑल एक्सपीरियंस भी है, जो कामनेस वो एंड में दिखाते हैं, बहुत वैल्यूएबल प्लेयर आने वाले टाइम में इंडिया के लिए हो सकते हैं। तो अब ये जो टीम बनेगी ना, इस टीम में जो कोर प्लेयर होंगे, आप अगर देखें संजू सैमसन एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, दूसरे एक्सपीरियंस प्लेयर आपको इस टीम में रिंकू सिंह ही नजर आएंगे। ओवरऑल क्रिकेट जिसने ज्यादा खेल रखी हो, चाहे डोमेस्टिक लेवल पर हो या आईपीएल के लेवल पर हो, हालांकि आपको यहाँ पर शुभमन गिल भी दिखेंगे, यशस्वी जायसवाल ने भी अब ठीक ठाक क्रिकेट खेल ली है, और इसके बाद जो अगला खिलाड़ी मेरी नजर में रहेगा अक्षर पटेल, वो भी काफी क्रिकेट जो है वो खेल चुके हैं। ये हो सकता है कि अक्षर पटेल की जगह पर किसी यंग खिलाड़ी की तरफ ये जाए, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि अक्षर पटेल वैसे तो आपके तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, लेकिन अभी उनको T20 और व्हाइट बॉल में फोकस ज्यादा रहेगा। रेड बॉल क्रिकेट में अब इंडिया को जो दौरे करने हैं, जो क्रिकेट खेल लिए हैं, वहां पर जिस तरह के विकेट रहेंगे, इंडिया के पास जो तीन गेंदबाजी के ऑप्शन आ गए हैं उसमें अश्विन जडेजा के साथ कुलदीप का ऑप्शन भी आ गया है, इसलिए अक्षर पटेल की रेड बॉल क्रिकेट में यूटिलिटी थोड़ी कम हो गई है, शायद डिमांड थोड़ी कम हो गई है। तो व्हाइट बॉल क्रिकेट अक्षर पटेल जो है आपको अब ज्यादा खेलते हुए नजर आएंगे, इसीलिए मुझे लगता है कि शायद वो इस वाले टूर पर जा सकते हैं, शायद टीम के उप कप्तान के रूप में भी जा सकते हैं। उसके बाद एक गेंदबाज अर्शदीप सिंह, अर्शदीप सिंह अभी तक इंडिया के लिए ज्यादातर जो है वो T20 मैचेस ही खेलते हैं, वर्ल्ड कप भी खेल रहे हैं, लेकिन इस दौरे पर भी अर्शदीप सिंह जा सकते हैं। अगर कुछ उनको दिक्कत है, कुछ रेस्ट या उस तरह की डिमांड रहती है, तो शायद नहीं जाएंगे, अदरवाइज अर्शदीप सिंह इस दौरे पर भी एज अ लीड बॉलर वहां पर आपको जाते हुए नजर आएंगे। देन आप 11वें खिलाड़ी की बात करें, रवि बिश्नोई एक लेग स्पिनर जो अब तक आपके लिए खेल रहा था लेकिन वर्ल्ड कप में जगह नहीं बना पाया, उसकी वापसी एक बार फिर से होगी और रवि बिश्नोई आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। उसके अलावा 12वें खिलाड़ी की बात करें तो आवेश खान इस टीम में रहेंगे, और चूंकि गौतम गंभीर कोच बन रहे हैं, गौतम गंभीर के वो वन ऑफ फेवरेट प्लेयर हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स में भी गौतम गंभीर उनको लेके गए थे, पोटेंशियल है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, एक गेंदबाज आवेश खान रहेंगे, T20 वर्ल्ड कप के रिजर्व प्लेयर में भी वो थे, सो 12 प्लेयर हो गए। उसके बाद 13वां प्लेयर मुझे लगता है कि हर्षित राणा, जो आप सब चर्चा कर रहे थे कि नंबर 8 पर बैटिंग कर सकता है, साथ में गेंदबाजी जिस तरह से इस बार आईपीएल में बहुत इंप्रेसिव की विकेट निकाले और जो परफॉर्मेंसेस उनकी रही, बहुत बड़ा रोल केकेआर की टीम के चैंपियन बनने में हर्षित राणा का भी था। उसके बाद अगर बात करें तो रजत पाटीदार मिडिल ऑर्डर में, जगह कैसे बनेगी, कहां बनेगी मुझे पता नहीं, बट रजत पाटीदार भले ही टेस्ट मैचेस में मिली अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब ना कर पाए हों, लेकिन इस बार मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की थी और जो इम्पैक्ट छोड़ा, कहीं ना कहीं वो भी अपनी जगह बनाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। उसके बाद 15वां और आखिरी खिलाड़ी, एक और फास्ट बॉलर आपको चाहिए होगा, इसमें दो खिलाड़ियों के बीच में रेस मुझे लग रही है, एक नाम मुझे खलील अहमद का लग रहा है क्योंकि वो इंडिया के वर्ल्ड कप के रिजर्व में भी थे, और दूसरा नाम मोहसिन खान का, अगर वो फिट हैं तो इन दोनों में से एक खिलाड़ी को चुनना होगा, मैं शायद मोहसिन खान की तरफ जाना चाहूंगा और मोहसिन खान मेरे लिए इस टीम में 15वें खिलाड़ी होंगे। तो आप सब स्क्रीन पर मेरी 15 देख सकते हैं, जिसमें मैंने संजू सैमसन को कप्तान चुना है, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल मेरे ओपनर होंगे, उसके बाद बैकअप ओपनर में अभिषेक शर्मा है। मिडिल ऑर्डर की बात की जाए तो संजू सैमसन कप्तान खुद, रियान पराग, तिलक वर्मा, नीतीश रेड्डी, रिंकू सिंह, ये लोअर मिडिल ऑर्डर आपको दिखेगा, अक्षर पटेल दिखेंगे और साथ में रजत पाटीदार मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन दिखेंगे। उसके बाद गेंदबाजी में अगर फास्ट बॉलिंग की बात करें तो अर्शदीप सिंह, आवेश खान, मोहसिन खान और हर्षित राणा, ये चार फास्ट बॉलर दिखेंगे। स्पिनर आपको दो ही दिखेंगे, अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई, क्योंकि यहाँ पर अभिषेक शर्मा और रियान पराग भी गेंदबाजी करते हैं, और आप जिम्बाब्वे जाएंगे तो वहां पर आपको शायद तीसरे स्पिनर की जरूरत नहीं होगी, आपको एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर की जरूरत होगी, और इंडिया की स्ट्रेटेजी में अब फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर डेवलप करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये टीम कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से ज्यादा सूट करता है। कुछ खिलाड़ी डिस्कस हो सकते हैं, शायद उनके लिए जगह बनाना मुश्किल होगा या कुछ सर्टेन सिचुएशन में उनकी जगह भी बन सकती है, जिसमें स्पिन डिपार्टमेंट में अगर देखें तीसरा स्पिनर आप सेलेक्ट करने जाते हैं तो दो खिलाड़ी चर्चा का विषय रहेंगे, जिसमें एक आरसाई किशोर लेफ्ट आर्म स्पिनर और दूसरे वरुण चक्रवर्ती, जो T20 क्रिकेट के हिसाब से बहुत ही सूटेड गेंदबाज है और इस बार केकेआर के लिए जिस तरह का उनका प्रदर्शन रहा है और कई सालों से एक्चुअली कर रहे हैं, इस बार डोमेस्टिक क्रिकेट में भी, चाहे वो TNPL में हो, चाहे वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हो, वहां पर भी उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा देखने को मिला था, तो उनका नाम भी जरूर डिस्कस होगा।
एज अ स्पिनर। और खलील अहमद की बात मैंने जरूर की कि मोहसिन वर्सेस खलील में एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर सेलेक्ट करने की बात होगी, वो डिबेट जरूर रहेगी। तो मैंने टोटल 18 प्लेयर आपको बताए, जिसमें से तीन मुझे शायद लगता है कि नहीं होंगे, जो 15 मैंने बता दिया आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप लोग को क्या लगता है, कोई खिलाड़ी छूट गया है जो सरप्राइज एंट्री करेगा इंडिया के फाइनल 15 में, जो जिम्बाब्वे और श्रीलंका के लिए जाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।